गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय लीजिए, दिस इज केमिस्ट्री विद आशीष रौडा, थैंक यू वेरी मच। देखिए आज हम पढ़ाई कर रहे हैं क्या, लास्ट टाइम का सर जो बाकी था वो पहले पढ़ाओ, मैं वही करा रहा हूँ। लास्ट टाइम का क्या बाकी था, हम पढ़ाई कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन और पहुंच चुके थे पॉलीमराइजेशन पे, और मैंने बोला था पॉलीमराइजेशन में आपको डिटेल में सिखाने वाला करेक्ट। तो चलो देख लेते हैं, आप देखो व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, आप वहां पे चले जाइए, अरे चाहिए ना भाई, चाहिए चाहिए, ओके। पॉलीमराइजेशन की अगर हम बात करें, द वर्ड इटसेल्फ सेज मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी, मर का मतलब होता है यूनिट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी यूनिट्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। मर्स का मतलब होता है यूनिट, सो सपोज इफ यू हैव वन एथीन इज कॉल्ड मोनोमर ऑफ एथीन, जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइज मतलब ऐसे बहुत सारे आपके पास इथीन है, एक इथीन ने दूसरे इथीन के साथ दोस्ती की, दूसरे ने तीसरे के साथ की, तीसरे ने चौथे के साथ की, चौथे ने पांचवे के साथ, इन नंबर ऑफ दे आर कंबाइन। तो कंबाइन कैसे, बहुत ही सिंपल सी चीज आपको करनी है, यहाँ यहाँ से निकालना है, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, आधा इस तरफ डालना और आधा इस तरफ डालना, ओके, मतलब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं, ये फिर ये वाले आधा इस तरफ आधा इस तरफ। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस ओवर हियर, इफ यू सी, तो हमारा जो पहला वाला इथेन था उसका आधा बॉन्ड इस तरफ गया, आधा इस तरफ गया, देन नया वाला आया उसके बाजू उसका आधा बॉन्ड इस तरफ गया, आधा इस तरफ गया, सो इट कंटिन्यूस एंड दे आर गोइंग टू मेक ए लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीइथीन। ये क्या बना, पॉली, और अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये येलो वाला पार्ट है वो बार बार रिपीट होता है, तो हम ऐसे लिखते हैं। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो अगर मुझे ये रिएक्शन लिखना है, भाई वी है n नंबर ऑफ इथिन मॉलिक्यूल जिसका पॉलीमराइजेशन हुआ, और आपको ये करना, देखो इसके और इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, जो ये इथिन का मोनोमर था हम वैसा ही लिखेंगे विदाउट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को आधा स्टेप निकाल दिया, आधा स्टेप निकाल दिया, और क्या बन गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाता हूं, देखिए सपोज मेरे पास और एक इसका नाम है क्लोरोइथीन, क्या है, अगर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में ये लेता उसका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुआ, आपको एक सिंपल सी चीज करना है कि आपको वही चीज वापस लिखने की, डबल बॉन्ड नहीं लिखने का, डबल बॉन्ड को क्या करने का, आधा इस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट बना दो, एन लगा दो, तो इसका नाम हो गया पॉलीक्लोरोइथीन। समझ में आ रहा है, इसी डिफिकल्ट सेलू छे, सरल छे, आसान छे, ओके। अभी जरा ध्यान से देखिए, यहां पे क्लोरोइथीन का दूसरा नाम है विनाइल क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, करेक्ट और नॉट, इन सॉल्ट पीवीसी, हाँ वही पीवीसी है जो आप यूज करते हो, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर अगर आपके पास ये है, इसका नाम है एक्रिलो नाइट्राइड, वैसे तो प्रोपीन नाइट्राइड है बट कॉमन नेम दे रहा हूं एक्रिलो, इसका अगर पॉलीमराइजेशन किया तो क्या करना है, CH2CHCN हाफ ऑन दिस साइड, हाफ ऑन दिस साइड, N लगा दिया तो इसका नाम बन जाएगा पॉली एक्रिलो नाइट्राइड। समझ में आ रहा है पॉलीमराइजेशन, कितना लिखो तुम्हें आगे बढ़ा था स्पीड से, YouTube जो देख रहे हैं उसको भी लिखना है,
नहीं पर ये मैसेज हमने नहीं दिया है हमने सिर्फ पर्सनल फोन करने के लिए दूसरा अलग आउट अलग चीज है अभी तो वेब से पर्सनली भेज मन मनी का लेना है डन बच्चा सॉरी कॉफी स्टोन की है जी आपके जैसे बच्चों को पढ़ाने थोड़ा सा एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए सर लेकिन हमारे जिस बच्चे का नाम क्या मतलब क्या आ गया नहीं आप तो अच्छे अरे सब ओके चलो एक आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन देता हूँ चलो मेरे पास इथाइन है क्या है इसका पॉलीमराइजेशन करना करो चलो कौन बताएगा दिमाग तुझे लगाना है मुझे बता दिया क्वेश्चन अगर मुझे लगाना तो मैं ही बता दे दिमाग तुझे लगाना चैलेंज दिया ना वो आंसर था मुझे लगा तुमने क्वेश्चन पूछ रहा है आंसर बुक में होता है मेरी जान में क्या आंसर है ब्रैकेट नहीं करना तो क्या करना एवरी पॉलीमर एज ए ब्रैकेट लेकिन का मतलब क्यों लंबा चेन चल रहा है हाँ तो अंदर आवेश और दूसरी की चुकी मैजिक की बोर्ड है ओके और कोई आप बोलो क्या है आपका आंसर पता चली बता दिया ब्रैकेट है उसमें डबल बॉन्ड होगा और बीच में सिंगल बॉन्ड मतलब यू मीन दिस अच्छा ये ऐसा होगा CH और यहाँ पे डबल और यहाँ पे डबल यस सर भाई हाय हाय जान हाथ मिला दे ओके बस मिला दे अरे मैंने ये क्या करना है चलो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है चलो आपको पता नहीं था मैं समझा देता हूँ क्या करना है अगर इथेन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे क्या हो रहे एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे तो आपको करना है क्या मालूम यहाँ का डबल बॉन्ड हटाना ट्रिपल बॉन्ड जब ये हटाया और सबका ऐसे दिस कंटिन्यूसली चलता रहता है इसीलिए जब आप पॉलीमर लिखते हो आपको ये लिखना मतलब ये
CA ट्रिपल बॉन्ड CH n टाइम्स गिव्स यू CH डबल बॉन्ड CH सिंगल CH डबल बॉन्ड CH सिंगल 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 और ये हो गया, इसको बोलते हैं पॉलीइथाइन। इथेन का दूसरा नाम क्या है? एसिटाइलीन। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? पॉलीएसिटाइलीन, करेक्ट। आया समझ में? आया कि नहीं आया? क्या क्या बोलना होता है? हाँ जी नहीं, हाँ जी सर, समझ में आया? समझ में आया हाँ जी सर, ओके। चलो आगे पढ़ाई करते, डन पक्का। चलो आपके लिए और एक चीज, इसका नाम है ब्यूटाडाइन। क्या है ये? एन टाइम्स लिया, फाइनल प्रोडक्ट क्या? चलो कौन लिखा है? यहाँ पे समझ में नहीं है। अरे आ जा, अरे आ जा, अरे आ जा। सही है, वेरी नाइस। ये आपका आंसर आएगा, कितने लोगों ने ये किया? वेरी गुड। रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन, ये वाला बोन टूटेगा ये, और आधा इस तरफ आधा इस तरफ, मतलब आधा ये तो चेन कंटिन्यू करेगा, यहाँ पे आधा सेम में आधा इसका आया, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? ये इसका नाम क्या हो गया? पॉलीब्यूटाडाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? आप बहुत प्यारे बच्चे हो। अच्छा ये है पॉलीस्टाइरीन, तो आपको इसके मोनोमर का आयुर्वेदिक नेम देना है, क्या होगा? स्ट्रक्चर के साथ देना है, बोल सके फिनाइलिडिन, साचे? बिल्कुल साचे, ओके। मेरा बच्चा जाग रहा है, सही बात है जट्टी, बिल्कुल सही। कितने लोग आया था ये फिनाइलिडिन नाम, कितने को स्ट्राइक हुआ था फिनाइलिडिन? वो पेंडिंग के ऊपर पहले से यहां से उल्टा जाने का डबल बॉन्ड बना देने का, और उसके बाद उसका फिनाइल। अच्छा अभी क्या है, हमारे जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, दो लेक्चर में आपको एनसीईआरटी के बेस पे लेके जा रहा हूँ, आज ये तो थोड़ा सा मैंने 12 का करवा दिया आपको पॉलीमर्स, ठीक है? दो लेक्चर में एनसीईआरटी दो या तीन लेते हैं, उसके बाद मैं 0 भी चाहूँगा, मुझे 12 भी चालू करना है आपके पास, तो थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर लंबा रहेगा, थर्सडे वाला लंबा रहेगा आज तो, बिकॉज टुडे आई वुड लाइक टू कंटिन्यू बट आई डोंट नो बिकॉज आज आई थिंक सो पॉलीस 8 बजे का मुहूर्त ऐसा कुछ, इसकी वजह से मुझे थोड़ा जल्दी बंद करना था। देखते देखते मैं कितना 5-10 मिनट तो खींच लूंगा, आपको पता है भाई
और क्राइम मास्टर को कुछ जैसे मेरा जैसे आई एस तो कुछ तो ट्रेवलर्स मतलब हमें टेस्ट तो लेती ही वो बीच में आज एक्स्ट्रा ले लिया इसलिए चलो ना पॉलीमराइजेशन अगर आपके पास प्रोपीन है तो क्या मिलेगा पॉलीप्रोपीन करना क्या होता है मालूम है ये डबल बॉन्ड वाले को एक्सटेंड करना है और ये कहां पे चला जाएगा ब्रांच सी एच टू सी एच सी एच थ्री ये समझ में आ रहा है आपको और ये क्या बन गया पॉली पॉलीप्रोपीन ओजोनोलिसिस ओजोनोलिसिस में आपको सीखा था बहुत प्यारा टॉपिक है ओजोनोलिसिस में जरा समझते डिस्टर्ब नहीं करें देखिए क्या होता है अल्किन का जब आप ओजोनोलिसिस करते हो बहुत प्यारी चीज करनी है बहुत ही प्यारी सी चीज जरा देखिए मैंने यहाँ पे लिया सी एच थ्री सी एच डबल बोन सी एच ओके और ओजोनोलिसिस करते हो इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी में और करना क्या है आपको इसके अंदर ओजोन ऐड करना है ओजोन ऐड करने के लिए बहुत प्यारी सी चीज आप डबल बोन मत लिखिए उसके बाद आप घर बनाएंगे तो क्या है घर 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 बना घर घर नहीं पता है बच्चे थे ये सब बनाते थे ये मेरा घर और ये उस पर उसका छत और ये यहाँ पे एक दरवाजा और यहाँ पे ये छोटा बच्चा करते नहीं करते बस वही घर घर बनाना है ओके तो हम करेंगे ये रहा मेरा घर और ये रही उसके ऊपर की छत वो ठीक डाल दिया डबल बोन को तो क्या दिया किसे घर बनाया घर नहीं बनाया एक्चुअली हमने तीन ऑक्सीजन डाले यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड से हो यहाँ पे इसके पीछे हो ओ ओ ओ समझ में आया ओके ये घर तो बहुत सादा है बहुत सिंपल है जैसा घर ट्रिकोण रहे चलो तोड़ दे घर को बना के तोड़ना है कहां से तोड़ना है जहां पे हमने लाइन बनाई समझ में आ रहा है और यहां पे जिंक प्लस एच टू ओ आप देखोगे H2O हाँ क्या होगा ये वाला ऑक्सीजन है ना ZNO बना के चला और जहां से मैंने लाइन तोड़ी वहां से CA3CH और O उसके बीच में एक बॉन्ड तो था किसी नीचे वाला अभी सिंस दोनों के दोनों यहां से बॉन्ड तोड़ रहे ऊपर से यहां से कार्बन ने बॉन्ड तोड़ा और यहां से किसने तोड़ा ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो इनके बीच में एक नया बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड और हम करने वाले हैं कुछ ऐसा सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर प्लस सी एच टू डबल बॉन्ड ओ आप इसको ऐसे भी लिखो या ऐसे भी लिखो और इसको वो अल्डिहाइड है ऐसा है एच सी डबल बॉन्ड ओ एच समझ में आ रहा है तो जब भी ओजोनोलिसिस करते हैं आप तब क्या आपको दो प्रोडक्ट मिल रही है अभी प्रोडक्ट अलग अलग हो सकती है यहां पे आपको मिला इथेनॉल एंड मिथेनॉल या तो आईपैक नेम मैंने इथेनॉल मिथेनॉल लिखे कॉमन नेम लिख सकते हो एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड अभी जरा ध्यान से देखिए बच्चे जाने अगर इसकी जगह पे ये होता ये था प्रोपीन और ये है टू मिथाइल ब्यूटाइन इसका अगर ओजोनोलिसिस करते हो पहले करना क्या डबल बॉन्ड हटा देना बराबर के लिए और वहां पे क्या बनाना है घर तो घर बनाने के लिए जरा देखिए मुझे अपना बेस बना दो इसलिए मैं सी एच को थोड़ा टेढ़ा लिखा किसी सीधा ये डबल बॉन्ड मैंने हटा दिया बट यहां पे मैंने जगह बना के रखी ये वाली जगह क्यों ताकि मैं अपने नए वाले घर को यहां पे आराम से बना पाऊं वरना आप परपेंडिकुलर लाइन नहीं बना पाते
करेक्ट है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो वो तो बना दिया, फिर क्या करना है? घर को तोड़ना है। घर को तोड़ेंगे कैसे? तोड़ेंगे यहां से एक लाइन बनाई, और उसके बाद ओके आप देखिए इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड हो, कैन यू सी दिस CH3? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये बनाया मैंने, अगर आप ध्यान से देखते हो ये हटा दिया और CH3 और उनके पीछे क्या बना दिया? C डबल बॉन्ड। I could have written like this CH3 C double bond O CH3, but I've written like this. बराबर है कि नहीं? और यहां से क्या बनाओगे? देखो CH3 CH डबल बॉन्ड O, आप ऐसे लिखिए या तो फिर ऐसे लिख लीजिए इसके अंदर, प्लस CH3CHO, बट ये अगर प्रैक्टिस नहीं तो सीधा स्ट्राइक नहीं होता। तो आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज कर देनी कि भाई पहले इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो CH3CH डबल बॉन्ड O, करेक्ट है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ रहा? तो हमारे पास यहां पे जो ये बना, ये प्रोपेनॉन बना, प्रोपेनॉन भी बोल सकते हो या तो क्या बोल सकते हो, एसीटॉन, और इसको बोलेंगे एसीटाल्डिहाइड या तो इथेनॉल। करेक्ट है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो एक चीज जरा ध्यान से समझिए, देखिए यहां पे जो हमें समझने जैसी चीज है वो ये कि अगर जो डबल बॉन्ड वाला है उसके पास दोनों कार्बन, सॉरी दोनों हाइड्रोजन, तो वो जो चीज बन रही है अगर आप देखोगे वो फॉर्मल्डिहाइड बना। वो क्या बना आपके पास? अगर यहां पे आपके पास यहां पे दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है दोनों के साथ, दोनों क्या है? हाइड्रोजन है, तो वो हमेशा आपको फॉर्मल्डिहाइड देगा, वो हमेशा आपको क्या देने वाला है? लेकिन उसकी जगह पे यहां पे देखिए एक अल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये कार्बन जो है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप, करेक्ट। तो वो जो प्रोडक्ट बनाता है वो नॉर्मल अल्डिहाइड बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, दूसरा अल्डिहाइड ही बनाएगा। अगर यहां पे एक भी हाइड्रोजन है बराबर, और एक भी अगर हाइड्रोजन नहीं है, तो अगर मैं बता रहा हूं जैसे कि यहां पे इन दिस केस इनिशियल जो कार्बन का डबल बॉन्ड उसके साथ क्या है? दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप, दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप है, तो वो हमेशा कीटोन बनाता है। वो हमेशा क्या बनाता है? तो आपको तीन चीज मिल सकती है, या तो कीटोन, या तो अल्डिहाइड, और स्पेशल अल्डिहाइड इज फॉर्मल्डिहाइड। ओजोनोलिसिस के अंदर ये ध्यान में रखना, आपको समझ में आ रहा है? मैं अपना एक्स्ट्रा बात कुछ निकाल दू सर, चलो हमने निकाल दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके जरा देखते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा एक काम करते हैं। पहले आप इनको लिख लो, फिर हम एक चैलेंज देते हैं, आप कर पहले कर पाओगे या मैं पहले कर पाऊंगा, जरा देख लेते। ओके स्टूडेंट्स, तो विल कंटिन्यू फॉर द, चलो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको इसका स्टायरीन का, ओके
करके आपको ओजोनोलिसिस करना है, फिर आपको ओजोनोलिसिस करना है, ब्यूटुइन का और ओजोनोलिसिस करना है आपको, ये तो बहुत इजी होगा, तो थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर, कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं है। चलो फटाफट ये क्या पहले आंसर लेकर तो मिलेगा, मैं तो फाइनल आंसर पे लेंगे नहीं तो पहले सबसे पहले मेरा हो गया लिखो 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 चल मैं इसको मिटा देता हूँ, चल ठीक है मैं मिटा देता हूँ, चल ठीक घर भी बनाना है, घर के बाद घर को तोड़ना भी है, सर ऐसी कैसे सलाह देते हैं आप घर बनाओ भी तो मतलब अच्छे अच्छे बेटर चीज के लिए भाई जो हमारे यहाँ पे जो देवान सिंह जी काम कर रहे हैं सीएस वन द फर्स्ट प्राइज फॉर हर एमएससी बायो टेक्नोलॉजी का एक उसका प्रोजेक्ट था उनका निकला आपको गुजरात जी ने सबका था उसी मतलब फर्स्ट प्राइज बड़े लोगों के सामने उनका प्रेजेंटेशन था सी एस डन अ प्रोजेक्ट ऑन बेस ऑफ अन इनफर्टिलिटी काफ़ी काफ़ी अच्छा किया सो वी आर रियली प्राउड ऑफ बुला लो चलो आप लोग मिस करोगे चलो बुला लो देवान सिंह देखते ये क्वेश्चन जैसे करता हूं अच्छा ये वाला क्वेश्चन पार्टी 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 चाहिए पार्टी चाहिए तुम्हारी ओर से ही बोला मैं तो इसको मत देना उसको उसका दिमाग है छोटू सा बच्चे कांग्रेचुलेशन चलो 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 मुझे बताइए क्या करेंगे इसके अंदर अरे मेरा आधे घंटे पहले खत्म हो गया बस तेरा दिमाग पार्टी में घूमता रहता है जहां तक ओके पिज्जा पार्टी में उनका प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरी के पार्टी में नहीं चला कोई भरोसा नहीं अरे मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात पॉलिटिकल सोच रहे थे कुछ नहीं तो बिल्कुल खुश हो गया क्या करें चलो ओके मराठी मानूस पढ़ाई करेंगे ओके देखो इसका आंसर आपका आना चाहिए एक तो मैं आप छोटी सी हिंट बता देता हूं बहुत ही प्यारी सी हिंट अगर आपके पास कोई भी अल्कीन जो है सो सिमेट्रिक है दिस इज सिमेट्रिक दिस इज सिमेट्रिक तो उससे एक ही प्रोडक्ट मिलेगी मतलब दो मोल मिलेंगे लेकिन एक ही चीज के मिलेंगे तो जब इसका आंसर आता है यहां से किन्जुसी दोनों या तो अल्काइल या तो फिनाइल ग्रुप है मतलब कीटोन ही बनेगा
खाली करना क्या होता है मालूम है, मैं इतनी स्पीड से क्यों कर पाया, सीधा सिंपल सा चीज, आपको खाली यही लिखना है, बेंजीन लिखा, सी लिखा, उसके साथ क्या था, मिथाइल था, यहाँ पे कीटोन बना दिया, दैट्स इट। और क्या लगा दोगे? करेक्ट है ना, यहाँ पे भी वही करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्या चीज, मतलब क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, तो आप क्या करोगे, CH3CHO2, कौन सा प्रतिमा कराना है, यहाँ पे असिमेट्रिक है, ठीक है कोई बात नहीं, सी एच टू लिखा मतलब वो फॉर्मल्डिहाइड एच सी एच ओ, और दूसरा एच वाला मतलब एल्डिहाइड है, आगे C6H5 है, C6H5CHO, दैट्स इट। कहाँ इसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब सोचना तो थोड़ा डिग्री में बताना, घर बना के तोड़ना है बताना, बाकी फटाफट उसी के लिए हो जाए, एवरेज सिंपल छे, सरल छे, इजी छे, आसान छे। अरे भाई तू जब क्योंकि यहाँ पे अच्छा चलेगा, ये नहीं चलेगा क्यों, क्योंकि क्लियर तो करना होगा, बिना क्लियर किए कैसे जाएंगे यहाँ, तो ठीक। तो मैं यहाँ से मेरा ब्लैक बोर्ड लगा देता हूँ, आई वॉज हियर, और मैं आप लोगों को बता रहा था ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, प्रोपीन है, तो प्रोपीन का जब ओजोनोलिसिस करते हो तो ऑब्वियसली पहले क्या करोगे, आप डबल बोर्ड हटा दोगे, घर बनाओगे, घर के ऊपर छत बना दोगे, ओके, एंड देन घर को तोड़ोगे, और क्या बनेगा आपके पास, क्या ही समझ में आया ओजोनोलिसिस, इसी के लिए मैं लास्ट में बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज इसकी पूछी जाती है, 11 और 12 जो मैंने आपको करवाया उसको एडिशन पॉलीमराइजेशन बोलते, दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, बस खाली मोनोमर पता होना चाहिए पॉलीमर अपना, हाँ थोड़े से और डिटेल में जाएगा नॉर्मल, बट ये बेस है, बस वो सीख लो, ठीक है। चलो आगे पढ़ाई करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन को बनाना है तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, दो तरीके हमारे सिलेबस में दिए गए, ओके, एनसीईआरटी बुक की बात करो, जीरो जाएंगे तो पहला वाला तरीका है कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस, क्या करो हाइड्रोलिसिस करते तो होता क्या, तो यहां पे कैल्शियम जो होता है वो दो OH के साथ निकल जाता है, एक्चुअली कैल्शियम Ca2+ निकलेगा एंड प्लस C2-2 स्पेशल कार्बाइड आयन, उसको क्या बोलते हैं कार्बाइड आयन, कैल्शियम H2O में से 2H+ के साथ कार्बाइड रिएक्ट करेगा और 2OH- के साथ Ca रिएक्ट करेगा, तो क्या बनकर निकल जाएगा CaOH2, and the C2 and H2 बन गया, okay, so we'll continue for, तो वही बना यहाँ पे इथेन, लेकिन मेरे यहाँ पे इथेन काले कलर का लिखा था मेरे, पता नहीं की बात समझना कोशिश करो, इसलिए वो दिख नहीं रहा है, मुझे बार बार लिखना पड़ रहा, ठीक है, दिख रहा है। अच्छा, अगर एनसीईआरटी स्कूल की एग्जाम तो वहां पे शॉर्ट नोट पूछते हैं, तो शॉर्ट नोट में खाली आप ये लिख के आ जाओ तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए यह है कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनाओगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दो, कैल्शियम ऑक्साइड को फर्दर कार्बन के साथ रिएक्ट करो, 3 कार्बन के साथ, तो आपको मिलता है कैल्शियम कार्बाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कैल्शियम कार्बाइड को हमने यहाँ पे यूज किया, करेक्ट, समझ में आई, ये सुनो, विल कंटिन्यू। दूसरा बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन, लास्ट टाइम आपको विसिनल थेमिनेट हैलाइड बताया बराबर, में अभी हमारे पास विसिनल हैलाइड है, विसिनल्डिहाइड को अगर हम रिएक्ट करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, तो अल्कोहलिक KOH में क्या होगा, ओके, एक के और Br निकल जाएगा और OH एंड H निकल जाएगा, आपके पास क्या मिला, ब्रोमो इथिन को फर्दर सोडा अमाइड के साथ रिएक्ट करते हो तो Na और Br गया,
और NH2 और H निकला और यहाँ से क्या मिला आपको? ओके अभी के लिए दो ही प्रिपरेशन, मैं एक आपको बल्ब्स वाली करवा दी, करेगा ना बल्ब्स वाली मैंने आपको करवा चुका, तो और दूसरी हम करेंगे प्रिपरेशन जब हम जेएनडी में पाएंगे। ओके ओके विल कंटिन्यू। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन बहुत प्यारी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर हम आप यहाँ पे देखते हो इथाइन है, इथाइन दिख रहा है, लिखा तो हुआ, अरे 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 देखिए ना कहाँ है, इथाइन, उसके अंदर अगर हम एच डालेंगे तो प्लेटिनम पैलेडियम के साथ रिडक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा मिथी, बट वो तो वहां पे रुके जाने क्योंकि प्लेटिनम पैलेडियम तो क्या है जबरदस्त रिएक्शन करते हैं, आगे क्या हो जाएगा इथेन के अंदर, समझ पा रहे करेगा ना, इथेन मिल गया, चलो बहुत प्यारी चीज है। उसके बाद अगर मैं अगर उसका एडिशन करता हूँ X2 Br2 के साथ तो क्या होगा, यहां से एक बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों जगह पे बीआर एड हो जाएगा, व्हाट डू वी गेट इज 1,2 ब्रोमो, करेक्ट है ना, मतलब अगर ब्रोमिनेशन करोगे तो क्या हो जाएगा और एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या मिलेगा 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो। ओके आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछ देते, देखिए जब ध्यान से समझ, कन्वर्जन 1,2 डाइक्लोरो इथीन से 1,2 डाइब्रोमोइड कैसे करो, कैसे कैसे करें, हमें तुझे पूछता हूँ, तुझे मैं सिखा चुका हूँ, तू प्रैक्टिस भी कर चुकी, तेरी एग्जाम खत्म होगी तुझे आना, मुझे बाकी लोगों को सोचने दे। ये आपके पास 1,2 डाइक्लोरो इथीन, ये मैंने इथीन दिया 1,2 डाइक्लोरो इथीन, इथीन 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 सिंपल है। आप इसके अंदर पहले ये करोगे KOH अल्कोहल के साथ तो क्या होगा माइनस KCl माइनस H2O, फ्लोरोइथीन मिला, सोडा अमाइड के साथ रिएक्शन किया, क्या मिला इथाइन मिला, एक बार इथाइन मिला और क्या करोगे ब्रोमिनेशन, क्या आपको समझ में आ रहा है, कन्वर्जन पूछेंगे बहुत सारे पूछेंगे, मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, इसीलिए तो नेक्स्ट थर्सडे ना कमिंग थर्सडे मेगा चार्ट टेस्ट है, मेगा चार्ट टेस्ट का मतलब क्या होता है, जितने भी चार्ट सीखे सबका एग्जाम, बराबर के नहीं सबके सब और जो भी सीखा ईआर एक्सर वाले अभी रिएक्शन मैकेनिज्म
वो आ रही है, वो भी आती है। क्या एक मिनट? 10 मिनट का एक टेस्ट होता है, छह चार्टे 5 मिनट का एक चार्ट होता है। ठीक है, हो गया, चलो पानी। कटी गई भाई, तो आज आपके टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, सेंसिंग तो आ गया। किसका है ये सर, बताया किसी को? चल मैं बता। चलो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ हाईएस्ट मार्क रोमित तेरे 18, वो बेच कितना है? ये 20, हाँ वो बेच में भी, हाँ 17 ओके, रोमित के 18, रोनित के 16, प्रियांशु के 15, निशा के 14 बेच के 14, मोक्षित के ज्ञाना 13 प्रथम, रेहान मुंशी 13 सर, आस्का हरीन जटी 12 पे, नीव 11, स्वयं पटवा 11, कर्तव्य 11, आत्मन 10, सरहान 10, दीप्त 10, दीप्य इतना कमजोर है, मित 10, पंत 9, दुबल 8, मारिया 8, सरीना 5 एंड आयुषी 4। वर्स्ट कहीं 20 मार्क के एमसीक्यू आप इतना नहीं कर सकते, क्या करोगे आगे? तो बोर्ड का था एनसीईआरटी, क्या चैप्टर इतने दिए थे? डरा नहीं रहे ना, ये बता रहा हूँ, बोला मत सर, आपने बताया नहीं, आपको प्रिपेयर करा, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, नहीं कटा भाई भाई बोलो गुड गुड से देख ओके। इथाइन से आपको ओके, अगर हमने पहली बार ब्रोमीन डाला तो 1-2 डायब्रोमो इथेन, दूसरी बार डाला तो 1-1-2-2 टेट्राब्रोमो इथेन, कन्वर्जन भी कुछ थे। अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं तो ब्रोमीन की जगह क्या आ जाता? क्लोरीन, तो वो क्या बनता? 1-2 डाइक्लोरो इथेन, फर्दर क्लोरीनेशन करते तो 1-1-2-2 टेट्राक्लोरो इथेन। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। अच्छा चलो आपको एक क्वेश्चन पूछते सर, किसी ने अगर ब्रोमिनेशन करने के बाद अगर क्लोरीनेशन करता तो कोई बात नहीं, एक बार ब्रोमिनेट हो चुका उसके बाद क्या होता? क्लोरीन, मतलब क्या मिलता? 1-2-डाइब्रोमो 1-2-डाइक्लोरो इथेन। क्या ये समझ में आ रहा है? पक्का? यू कैन हैव अदर वे आल्सो, पहले क्लोरीनेशन करो एंड देन बाद में ब्रोमिनेशन। करेक्ट ओके ओके। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ध्यान से देखो, अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इथाइन का, तो हमारे पास इथाइन ये, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करोगे मतलब आप H प्लस OH माइनस डालो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HGSO4, तो होगा क्या? आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, उधर एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक में H जाएगा, एक में क्या जाएगा? OH, करेक्ट। तो क्या मिला आपको? इथिनॉल, बराबर है कि नहीं? जब इथिनॉल मिलता है तो कितने लोगों को टोटोमर से याद है? भूल गए इतनी जल्दी। टोटोमर्स के अंदर हम लोगों ने सीखा हुआ था यू नीड एटलीस्ट वन, क्या चाहिए? हीटो ग्रुप चाहिए। हीटो ग्रुप के बाद क्या चाहिए?
अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के बाद अगर आपके पास ऐसा है देन ओके ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करेगा और ये हाइड्रोजन इस तरफ शिफ्ट करेगा और उसकी वजह से आपको क्या मिलता है आर विथ सी ओ एच डबल बॉन्ड और इसको बोलते हैं अल्किनोल या तो इथिनॉल। तो हमेशा कीटो इनोल प्रोटोकॉल्स लिखा था, क्या लिखा था? अभी जरा ध्यान से देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी कीटो इनोल टोटोमर है, ये इनोल पॉइंट, तो वो कीटो में भी कन्वर्ट होता है, उल्टा भी आपको करना आना चाहिए। ये हाइड्रोजन को आप वापस इसके दे दोगे और ये डबल बॉन्ड इस तरफ लेके आओगे तो ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O। बराबर चेक करी आ रहा है समझ में? तो यहां पे भी जो वही हुआ कंडीशन अल्किनॉल इथिनॉल है, तो हम क्या करेंगे यहां पे रिवर्स H को यहां पे और डबल बॉन्ड इस तरफ, तो देखिए क्या हुआ CH3 डबल बॉन्ड O जिसका नाम क्या है देना दिया तो ऐसे डाल दिया है। बराबर ठीक है? तो आपको समझ में आ रहा है टोटोमरिज्म। और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बेस पे, एक क्वेश्चन ऐसे पूछ देते अगर ये दिया इथाइन H2O G2 plus H plus what's your A options? बोल पाटिल सर ए देखे देखे सोच को बताइए मुझे सोच को बताइए बहुत ए एन सी जल्दी से लिखो मेरे भाई और बहन, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सी आपको ये केस तो समझ में आ गया, आगे पढ़ाई करते कंटिन्यू करते हुए ये एक बहुत प्यारा है पूछ लेते हैं इसका वाला क्वेश्चन में, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इथाइन से हम इसको कैसे बनाते हैं, करेक्ट है ना? तो नेक्स्ट वन, अगर हम HBr के साथ रिएक्ट करते इसे मार्कोनिको रूल लगेगा या नहीं लगेगा, चलो मुझे बताओ। इथाइन के साथ अगर हम HBr ऐड करेंगे मार्कोनिको रूल लगेगा या नहीं लगेगा? कितने लोग बोलते लगेगा, कितने लोग बोलते नहीं लगेगा? क्यों डगली क्यों नहीं लगेगा? ये क्या है, क्या वापिस बोल बोलू? सिमेट्रिक क्या, सिमेट्रिक क्या, सिमेट्रिक अल्काइन। बाय द वे मार्कोनिको रूल असिमेट्रिक अल्कीन के लिए बना है, अल्केन में लगा भी नहीं सकते हो आप, कहा हाँ बोल रहे हो, बस ऐसे ही कुछ भी बोला हाँ हाँ लगा देंगे, ओके करेक्ट और नॉट? यहां पे नहीं लगने वाला क्योंकि ये क्या है सिमेट्रिक अल्काइन है, बराबर चेक नहीं, तो यहां मार्कोनिको रूल नहीं लगा। अच्छा तो HBr डालोगे तो क्या होगा, यहां से एक बॉन्ड टूट जाएगा फिर भी एक बच जाएगा CH2 CH, एक में BR लगा दिया एक में H लगा दिया, तो क्या मिल गया आपके पास? तो भाई मुझे एक बहुत ही प्यारा सा क्या मिल चुका है, ब्रोमो एथीन। अच्छा अगर मैं HBr वापस डालता हूँ तो अभी मुझे मार्कोनिको रूल लगेगा या नहीं लगेगा? क्या है मार्कोनिको रूल, क्या है चलो कितने लोगों को पता है? पहले पहले मेरा कंडीशन हाँ बोल तू बोल। किसके लिए मार्कोनिको रूल लगता है, मैंने वो पूछा क्या है मार्कोनिको,
तो यहाँ पे असिमेट्रिक दिख रहा है, दो कार्बन तो है, डबल बॉन्ड का दिखता मारा दिख रहा डायो, सरस गुड ओके। दो सी एच टू, दो सी एच टू नहीं है, एक सी एच एन बी आर है, मतलब ये क्या है असिमेट्रिक। तो उसमें करेंगे क्या, अभी बोल दूं, बल तू अब जो बोल रहा था वो मार्को निको बोला राजा का बेटा, राजा मतलब हाइड्रोजन जो जिसके पास जाता है उसके पास हाइड्रोजन जाएगा, बी आर नहीं जाएगा। बी आर किसके पास जाएगा, जिसके पास कम है, इसके पास एक ही कार्बन है हाइड्रोजन है, तो उसके पास बी आर जाएगा और आपको मिलेगा 1,1-dibromoethane, करेक्ट नॉट, क्या मिलेगा 1,1-dibromo। चलो आप लोग बहुत प्यारे हो, ठीक है, आ रहा है समझ में, ये समझ में तो आ रहा है, लेकिन मेरा एस देखो, हाँ कव अभी आया, अब तक तो कव नहीं आ रहा था, अब तक तो वो हेक्सागन की तरफ जा रहा था, ओके चलो ठीक है। नाउ अगर एच बी आर की जगह मैं एच सी एल डाल दूँ तो सिंपल सी चीज है, क्या मिलेगा क्लोरोइथेन, और फर्दर अगर एच सी एल डाल दूँ तो 1,1-dichloroethane, ओके। कई लोग बोलते सर पहले एच बी आर डालो बाद में क्या डालो, एच सी एल डालो, तो एक ब्रोमीन आएगा, क्लोरीन आएगा, 1-bromo-1-chloroethane, या तो आप अदर वे भी कर सकते, पहले एच सी एल डालो बाद में एच बी आर डालो, समझ में आवे छे, बराबर छे, बधुं याद रखनुं छे, क्या इस पर शू पूछवानुं छे, ओके। कन्वर्सन्स, मैक्सिमम कन्वर्सन्स आएंगे, या तो अननोन फाइंड करो, ऐसे दे दिया जैसे कि यहाँ पे अननोन है ए, और नाम नहीं लिखा है, एच सी एल दे दिया, ओके ये नहीं लिखा है बी, फिर एच बी आर दे दिया और बोला ये है, तो फाइंड करो ए और बी क्या है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ओके आप लोग बहुत प्यारे हो। फिर अगर मैं एच सी एल करता हूँ तो क्या मिलता है, क्लोरोइथीन, क्लोरोइथीन का दूसरा नाम क्या है, क्या है विनाइल क्लोराइड, बराबर है, चलो मैंने वहाँ पे लिखा ही हुआ है, उसका पॉलीमराइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सिखाया आप ही, एच सी एन किया, और अगर तो क्या मिलेगा पॉली एक्रिलोनाइट है पैन, अगर मैं इथाइन का पॉलीमराइजेशन करता हूँ वो भी सिखाया मैंने, पॉलीइथाइन या तो पॉली एसिटाइन, करेक्ट, तो ये इथाइन की नॉर्मल प्रॉपर्टी खत्म हो गई, इथाइन की नॉर्मल प्रॉपर्टी खत्म हो गई। चलो अभी हम देखते हैं, ओके नाउ मैं पढ़ा रहा हूं एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन, टर्मिनल अल्काइन, सबसे पहले टर्मिनल अल्काइन क्या है मुझे कौन बताएगा, बोल रहा हूं ओके, लास्ट यानी कि फर्स्ट पोजीशन वाले अल्काइन्स को, ऑल फर्स्ट पोजीशन अल्काइन, यानी कि अगर आपके पास आ गया ब्यूट 19, ओके सॉरी ये नहीं आएगा, ब्यूट 19, प्रोप 19, पेंट 19, ऑल दोस, ओके ब्यूट 29 की बात नहीं करेंगे, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, अरे ये क्या हो गया, चलो ठीक है मैं पढ़ा रहा था, सिग्नेचर ऑफ टर्मिनल अल्काइन, ठीक है टर्मिनल अल्काइन क्या होता है, तो भाई फर्स्ट पोजीशन ऑफ अल्काइन वो एसिडिक नेचर रखता है, पहले एसिडिक नेचर क्या होता है मैं जरा समझ लेते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई एसिड है वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, प्लस किसको रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, तो अगर आपके पास इथाइन है उसको अगर आप सोडियम के साथ रिएक्ट करते हो तो वो सॉल्ट बनाता है लाइक दिस, इसको बोलते हैं सोडियम इथाइनाइड,
प्लस हाफ एच टू, इसके जैसा ही हुआ। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये एसिड है, करेक्ट ऑन। क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर वाई टर्मिनल अल्काइन एंड वाई नॉट द अदर अल्काइन? Why terminal can, why not the other? तो जरा समझते हैं, हम एक काम करते हैं, होपफुली यहाँ पे इरेजर मुझे अलाउड नहीं है, होना चाहिए, क्यों ऐसा ये लोग मना कर रहे हैं? हाँ अलाउड है, ये वाला जाने को मना कर रहा है, चलो ये वाला भी चला गया। ठीक है, जरा 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 ध्यान से देखिए, नॉर्मली कोई भी एसिड होता है ना, लेट्स से ये एसिड है, उसको एसिड कब बोलते हैं? जब वो पानी के साथ H3O प्लस देता है और क्या करता है, A माइनस आयन बनाता है। अच्छा, A माइनस को हम बोलते हैं कंजुगेट बेस, आपको पता है ना कि नहीं पता है? एसिड ने जब H प्लस निकाल दिया, बाकी वगैरह उसको क्या बोलते हैं? याद रखना, अगर ये एसिड स्ट्रांग होगा या तो स्टेबल होगा तो उसका कंजुगेट बेस जो होता है वो स्टेबल होना जरूरी है। यू ना, कई बार होता है हम लोग दो तीन दोस्त लोग जाते हैं कहीं पे, लेट्स से मूवी में चले गए या तो फिर ओके कैफे में या तो कोई टी स्टॉल पे चले गए, एक दोस्त ऐसा होता है, अरे यार तू क्या लेने आए, हम मूवी तो कर लूँ बोगस से, ओके अभी तो कोई चाय होती है, ऐसा कोई पिज्ज़ा होता होता है, ऐसा पूरा दिन ओके नेगेटिव 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 बोलता रहता है, और वो नेगेटिव बोलता है तो उसकी वजह से हम लोग भी, भाई हाँ भाई तू तू तुझे नहीं खाना है, चल हम साथ में सब वापस चले जाते हैं। हुआ है कभी आपके साथ ऐसा कि आपका दोस्त कभी आया और नेगेटिव 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 बातें करता है? होता है होता है होता है, एक दोस्त तो ऐसा ही होता है, क्या कहाँ लेके आए, नहीं आप लोग अच्छे हो, मेरे साथ तो हर बार होता है, एक दोस्त तो ऐसा ही है, कहाँ ये मूवी में लेके आया, कहाँ ये खाना लेके आया, ऐसे पिज्जा के अंदर कोई चीज़ भरा नहीं हुआ है, हम कहीं और जाके खाते हैं, ऐसी पानी पूरी कहाँ खाते हैं, ऐसा ऐसा होता है, होता है होता है। ग्रुप में जाता तो एक एक तो बंदा ऐसा मिलता ही है, आप लोग के दोस्त अजीब है, आप लोग अजीब हो, आप लोग महान हो, आपके दोस्त ऐसे नहीं, हमारा तो ऐसे हुआ करता है। अगर 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 मैं पॉइंट ये बता रहा कि अगर ये भाई साहब अनस्टेबल है ना, वो बाजू वाले को सड़ी करता रहता है, नहीं 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 तू यहाँ पे क्यों आया, तू यहाँ पे चल हम वापिस चलते, वो क्या करता है, सड़ी करता, तो वो उसको एसिडिक नेचर दिखाने ही नहीं देगा। एसिडिक नेचर क्या है, H3O प्लस निकालना है, वो सड़ी वाला क्या करता है, वो स्टेबल नहीं, उसको मजा नहीं आ रही, इसलिए क्या करता है, चल भाई आपने भी वापस, ओके उसको साथ में, तो वो उसको एसिडिक नेचर नहीं दिखाने देगा। अगर इसको अच्छा एसिड बनना है तो क्या होना चाहिए, खुद तो H प्लस निकालना चाहिए, साथ साथ में उसका दोस्त भी वहाँ पे मजा करना होना चाहिए। तो आप लोग के पास है ऐसे अच्छे दोस्त, हमारे पास तो नहीं आता, ठीक है बराबर चिंटू, ओके चलो कर दीजिए। सो ओवर हियर आर यू गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है? अभी आप मुझे बताइए, सपोज मेरे पास यहाँ पे दो है अपने बहुत ही प्यारे से एक है ब्यूट 1-ion और एक है ब्यूट 2-ion। क्वेश्चन ये था कि वाई ओनली टर्मिनल अल्काइन ही, ब्यूट 1-ion टर्मिनल अल्काइन है ना, नहीं है, ब्यूट 2-ion टर्मिनल अल्काइन है, ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल नहीं है। अगर दोनों को हम एसिडिक नेचर दिखाते तो ये H निकाल रहा है, बराबर है कि नहीं, और इसका जो इथाइन मिलता, सॉरी अल्कनाइड मिलता, वो ऐसा मिलता, और इसका प्लस H प्लस, करेक्ट, एंड इसका जो मिलता, लेट्स से यहां से जबरदस्ती हाइड्रोजन निकलवा दिया, कौन स्टेबल कौन अनस्टेबल, क्या ये स्टेबल है या नहीं, क्या ये स्टेबल है या नहीं, है तो क्यों नहीं तो क्यों, कौन मुझे जवाब देगा? क्योंकि ये जब स्टेबल बनता है तो ही वो अच्छा एसिड बनाता है, अगर वो अनस्टेबल बना तो वो, बराबर है, मैंने बताया ना कि ये वाला वो टेढ़ा टेढ़ा दोस्त है, ओके मुझे पसंद है तू भी वापस चल,
ऐसे होते हैं दोस्त, तो उसको स्टेबल बनाना है। आप मुझे बताइए ये स्टेबल है या नहीं है, ये स्टेबल है या नहीं है। उसके बेस पे कौन ऐसी रहे या नहीं वो डिसाइड कर पाएंगे, बराबर ना। कौन जवाब देना चाहता है? ओके ओनली कापड़ियास, ओके गर्ल्स फर्स्ट, चल बता। ये स्टेबल है क्यों? ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ पे भी है, नहीं मैं एक्स्ट्रा लगा दिया यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड है। आपका टाइम खत्म हो रहा है, 5 4 3 2 1 चल बता तू। सर ऊपर वाला अनस्टेबल, ऊपर वाला अनस्टेबल क्यों? इसे उनका नेगेटिव चार्ज और उनका ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिव चार्ज के साथ मतलब अनस्टेबल है। ये रीच है और ये भी इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब क्या, तेरा कहने का मतलब ये मैंने अभी एक स्टूडेंट को आपकी आगे वाली बेंच में ओके एक गिफ्ट दी, बिकॉज ये टॉपिक मैंने सिखाया था आज से 6 महीने पहले, आप सबको सिखाया था कि ये स्टेबल होगा या ये स्टेबल होगा, और उसको वो याद आया। सोहा सोहा ओके उसको याद था। ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज कार्बन करेक्ट हाई या ना? sp हाइब्रिडाइज कार्बन वो अनस्टेबल नहीं, काफी स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि sp हाइब्रिडाइज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं आपको समझाता हूँ, चलो थोड़ा अलग तरह समझाता हूँ। सपोज आप क्रिकेट खेलने गए, आप अपनी क्रिकेट टीम के कैप्टन हो, आपकी टीम है, सामने वाला जो ऑपोजिट टीम है उनकी ओके बैटिंग आ रही है और आपको पता है ये लोग चले गए और ओ ओ, ओ ओ ओ मैंने जितना भी लिखा था मैंने वो जूम से लिखा था और जूम तो चला गया यार, आप डबल मेहनत कर रहा हूँ, दैट्स नॉट फेयर यार, आउ चीटिंग यार। चलो मैं ये लिखा हुआ था, वो भी चला गया क्या यार मैं सब वापस लिख रहा हूं क्योंकि आज मैं ओके अगर ये H प्लस निकालता तो ये होता, मुझे सब स्टोरी वापस सुनानी पड़ेगी यार, ये सब गलत चीज है यार, ना यार ना, अब नहीं करवाना। ओके चलो मैं ये बता रहा था H प्लस, और मैंने ये बताया कि ये स्टेबल होता है, मैंने बताया ये sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ तक गए थे बराबर, और मैं स्टोरी सुना रहा था आप लोगों को कि भाई सपोज आप अपनी क्रिकेट टीम के कैप्टन और आप सामने वाले आप बैटिंग ले रहे हैं बराबर, और आपको पता है जो सामने वाला जो बैट्समैन है उसका एक वीकनेस है, वो कवर पोजीशन पे कैच दे देता है
शॉर्ट पिच बॉल डालो, कवर पे कैच दे देगा। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी आप अपने अपने टीम में से कौन से फील्डर को कवर पोजीशन पे खड़ा करोगे, जो सबसे खराब फील्डर है या सबसे अच्छा फील्डर है? ऑब्वियस है वो कैच पकड़ेगा, बराबर है, खराब वाले को थोड़ा डालोगे, करेक्ट ऑनर। अभी होता क्या है कि यहाँ पे ये SP3 हाइब्रिडाइजेशन है और सिखाया गया आपको SP हाइब्रिडाइजेशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। SP हाइब्रिडाइज कार्बन इज मोर, केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, वो अच्छा फिल्टर है इलेक्ट्रॉन का, उसको रखना चाहिए। और SP3 इज ओके वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव, वर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इंपैक्ट। तो वो तो पकड़ेगा ही नहीं, वो तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को हटा देगा, उसको नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए तो क्या करेगा, भाई तू वापस ले ले, SP को बोले तू वापस ले, तू वापस जा, वापस जा, वापस जा, वापस। तो वो क्या हो गया, बैड एसिड। ये क्या हो गया, अच्छा एसिड। तो ऑल टर्मिनल अल्काइन, मैंने लिखा ओनली टर्मिनल अल्काइन शोस एसिडिक नेचर। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको हमेशा ये लिखना है RCH2C CCH, Na के साथ रिएक्ट करते हो तो RCH2C CNA+ ½ H2, और इसको बोलते हैं सोडियम अल्कानाइड। और ये है प्यारा सा सोल्ट, सोल्ट प्लस वो H2 मिला। समझ में आ रहा है? एक ही मिनट रुकना मुझे। आपको जितना याद है आप लिखोगे, खुद लिखोगे। बैक टू टॉपिक। सो यहाँ पे जो टर्मिनल अल्काइन होते हैं वो एसिडिक नेचर दिखाते। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट अल्काइन की प्रॉपर्टी, रेड हॉट आयरन ट्यूब पे ले लो उसको, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करता है। देखो ऐसे, ये है आपके पास एक इथाइन, ये है दूसरा। अरे 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 मेरी जान, तू नहीं, तू नहीं, अरे यार हाँ यार, ये है दूसरा इथाइन और ये है तीसरा इथाइन, करेक्ट। और इसके अंदर होता क्या है कि यहां से, अरे रुक रुक, एक तो मुझे ये वाली पेन थोड़ी कम भाती है यहाँ पे, मैं खड़ा खड़ा अच्छा पढ़ा लेता हूँ। चलो यहाँ से ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, वो एक यहाँ पे घूम जाएगा, ये वाला यहाँ पे घूम जाएगा, ये वाला यहाँ पे घूम जाएगा, तो उसकी वजह से हो जाता है ऐसा कि ये CH ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे क्या बन गया, डबल। यहाँ पे एक नया सिंगल बॉन्ड आया, देन वापस डबल, देन वापस सिंगल, देन वापस डबल एंड सिंगल, ये क्या बन गया, वाह आप लोग बहुत प्यारे हैं। तो ये बन गई बेंजीन की रिंग, बराबर है कि नहीं? तो ये होगी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। नेक्स्ट टाइम हम सीखने वाले बहुत ही प्यारी सी चीज़ें, वो नेक्स्ट टाइम लेक्चर में भी, जितने भी ऑनलाइन है नेक्स्ट टाइम से नो ऑनलाइन लेक्चर। अगर आप चुप रहे बेटा, मुझे खत्म कर दे, नो ऑनलाइन लेक्चर आप सब सुन लीजिए। अगर आप बीमार हो तो मैं यूट्यूब पे भी वीडियो लेक्चर नहीं डालना, आपको यहाँ पे ही कंपलसरी आके देखना है वीडियो लेक्चर। मैं ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट नहीं करने वाला हूँ। और नेक्स्ट टाइम मेगा चार्ट टेस्ट है, अब तक जितना भी सिखाया, ठीक है? सो गाइस, ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो मिलते हैं, बाय। ये आप लोग रुको।